नहीं है। और ये असर किस पे कर दिए फिर अगर नहीं है तो?
अगर नहीं है तो असर किस पे कर रही है फिर? ये जयपुर वाली जनानी है बेटा, ठीक है, बच्चे के साथ लेके एक मरी है, ठीक है, जल के मरी है, आ गई याद, ठीक है, ये असर कर रही है, समझ गए बच्चे? ये घर पे असर कर रही है, सारी चीजों के अंदर दिक्कत इसी ने डाल रखी है, जो घर में बीमारी चल रही है, ग्रह क्लेश चल रहा है पूरी तरीके से, ये इसी के कारण है, ठीक है, समझ गया? हाँ, फालतू बहमों में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरी इलाज है नहीं इसका, ठीक है, चाहे कहीं भी डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टरी इलाज नहीं है। जब चीज ने संकट में घेरा डाल रखा है ना बच्चे, क्योंकि ये अपनी सेवा मांगती है, ये अपने आप को ये कहती है कि मुझे स्थान दो, समझ गया? पहले भी तुम्हारे आगे बात आई होगी इस चीज की, आई थी ना? बाकी कोई देवी देवता का और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हारे ये पुरानी एक चौकी उठी हुई है जो सेवा मांग रहा है, ठीक है बाबा, तो इसके अच्छी तरह से सेवा चालू करो, ठीक है बच्चे, इसके नाम की अरदास रखो, बाबा के नाम की अरदास रखो, सवा मीटर सफेद रंग का कपड़ा ध्वजा का, ठीक है, और एक जो गोला होता है सूखा, ठीक है, नारियल वाला जो सूखा गोला होता है, ये और 10 रुपए की अरदास बाबा की, ये अरदास रखो आप घर पे और काम सारे बनने चालू हो जाएंगे, लेकिन इस संकट का उपाय करवा, वरना आगे दिक्कत और नुकसान है, समझ गए बच्चे? तो रास्ता तो मैंने बता दिया ना तुझे कि जो ये संकट है इसका उपाय करवा, समझ गए बच्चे? हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि तू चौकियां लगा, चौकियों में तेरा इलाज हो जाएगा, चौकियों वाला काम नहीं है ये, जैसे वाली कचील है बेटा, ये हर किसी का रूप लेके बैठ सकती है, ठीक है ना, ये गंदी चीज है, ठीक है, तो इसका अपना उपाय करवा बच्चे, घर को शुद्ध करवा, तब जाके तेरे घर में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, बाकी भगूती लेके जा, भगूती का छींटा देना, ठीक है बेटा, ये करेगा, चलो।